Hey guys, welcome back to your channel Journey to Success. So Research and Publication Ethics का ये हमारा यूनिट नंबर 6 है. यूनिट 6 में हम कवर करने वाले हैंड रिटन रूट से डाटाबेस क्या होते हैं और रिसर्च मैट्रिसेस क्या होते हैं. तो सबसे पहले ब्रीफ डेफिनेशन जानते हैं डाटाबेसेस की एंड रिसर्च मैट्रिसेस की. तो जो डाटाबेस है दैट इज द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा या इन्फॉर्मेशन. ऑर्गेनाइज कलेक्शन में कौन सी डेटा या इन्फॉर्मेशन आएगी अगर हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से डेटाबेसिस की बात करें. आर्टिकल्स हो गई, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हो गई, बुक्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई. सो ये जो डेटाबेसिस होते हैं इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली. सो जो यूजर्स हैं इलेक्ट्रॉनिकली इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एंड रिट्राइव कर सकते हैं. कुछ डेटाबेसिस के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं. फॉर एग्जाम्पल पबमेड हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, वेब ऑफ साइंस हो गया, स्कोपस हो गया, IEEE एक्सप्लोरर हो गया. दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेसिस. वैसे रिसर्च मैट्रिसेस क्या होते हैं? रिसर्च मैट्रिसेस वो सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं जो इवैल्यूएट करते हैं आउटपुट का इंपैक्ट, सिग्निफिकेंस और क्वालिटी. एंड अगर हम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन ऑफ फंडिंग, हायरिंग, प्रमोशन एंड पब्लिकेशन. तो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे रिसर्च के मैट्रिसेस होते हैं जैसे एच इंडेक्स हो गया, जर्नल इंपैक्ट फैक्टर हो गया, साइटेशन काउंट हो गई. ये सारे क्या है? रिसर्च मैट्रिसेस हैं. मतलब दीज आर द क्वांटिटेटिव मेजर्स जो हमें बताते हैं कि जर्नल का या कोई भी इंडिविजुअल ने पेपर पब्लिश किया सपोज उसका इंपैक्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है एंड क्वालिटी क्या है. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रिसर्च पेपर. व्हाट कैन बी द टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर. सबसे पहले रिसर्च पेपर होता क्या है? रिसर्च पेपर वो सारे स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं जो किसी भी रिसर्चर की ओरिजिनल फाइंडिंग्स को बताते हैं इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी. तो जो रिसर्च पेपर होते हैं वो बहुत ही क्वालिटी चेक के बाद, वैलिडिटी चेक के बाद, मतलब प्रॉपर पीयर रिव्यू प्रोसेस के बाद पब्लिश किए जाते हैं. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर. तो यहाँ पर मैंने बेसिकली 6 क्राइटेरिया के बेसिस पे रिसर्च पेपर्स को स्प्लिट किया है. मेथोडोलॉजी के बेसिस पे, स्कोप के बेसिस पे, पर्पस के बेसिस पे, कंटेंट के बेसिस पे, ऑडियंस के बेसिस पे एंड डिजाइन के बेसिस पे. सो इन केस अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर, यू कैन क्लासिफाई द रिसर्च पेपर इनटू द 6 कैटेगरीज. अगर मैं मेथोडोलॉजी की बात करूँ, रिसर्च पेपर कैन बी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मेथड, मिक्स्ड मेथड. ठीक है, स्कोप के बेसिस पे नैरो भी हो सकता है, ब्रॉड भी हो सकता है. पर्पस, किस पर्पस के लिए रिसर्च पेपर लिखा गया, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव या फिर एक्सप्लेनेटरी. नेक्स्ट, क्या कंटेंट है उसमें, लिटरेचर रिव्यू किया गया, एम्फेरिकल पेपर है, मतलब ओरिजिनल पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर है, कंसेप्चुअल पेपर है. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट क्या है उस पेपर का. नेक्स्ट, ऑडियंस, उस पेपर को रीड करने वाली ऑडियंस कैसी है, अकेडमिक है, आपने पॉलिसी बनाई है कोई उसके रिगार्डिंग है, बिजनेस के रिगार्डिंग है, इंडस्ट्री के रिगार्डिंग है. उसके बाद वो पेपर का रिसर्च डिजाइन क्या है, एक्सपेरिमेंटल पेपर है, केस स्टडी पेपर है या सर्वे पेपर है. सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर्स. नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल्स. हमने रिसर्च पेपर्स की क्लासिफिकेशन देख ली. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल्स. तो जर्नल्स क्या होती हैं बेसिकली, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जर्नल्स वो वाली बुक्स होती हैं जो पीरियोडिकली पब्लिश की जाती हैं जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, रिव्यूज होते हैं एंड अदर कंटेंट होता है. तो अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ें जर्नल्स की, सो यहाँ पे मैंने जर्नल्स को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है एंड देन हम उसकी सब कैटेगरीज देखेंगे. देखो सबसे पहले है स्कोप के बेसिस पे, देन ऑडियंस के बेसिस पे, देन जर्नल का इंपैक्ट फैक्टर क्या है उस बेसिस पे, इंडेक्सिंग के बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, पब्लिशर के बेसिस पे एंड पीयर रिव्यू प्रोसेस के बेसिस पे. स्कोप के बेसिस पे जो जर्नल है दैट कैन बी अ जर्नल, जर्नल एंड अ स्पेसिफिक जर्नल, या फिर डिसिप्लिन वाइज हो सकती है या फिर इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल हो सकती है. ठीक है, उसके बाद ऑडियंस के बेसिस पे अकेडमिक जर्नल हो सकती है या प्रोफेशनल हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है या रीजनल हो सकती है. इंपैक्ट फैक्टर किसी भी जर्नल का हाई हो सकता है या लो हो सकता है, या पीयर रिव्यूड हो सकती है या नॉन पीयर रिव्यूड हो सकती है. उसके बाद अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो इंडेक्स जर्नल हो सकती है या नॉन इंडेक्स हो सकती है, ओपन एक्सेस हो सकती है या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो सकती है. फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो जर्नल पब्लिश कर रही है, तो रेगुलर हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है. जो पब्लिशर है वो कमर्शियल हो सकता है, अकेडमिक हो सकता है, नॉन प्रॉफिट हो सकता है. एंड पीयर रिव्यू के बेसिस पे सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ओपन पीयर रिव्यूड. सिंगल ब्लाइंड में क्या होता है, जो रिव्यूअर होता है वो सिर्फ ऑथर को जानता होता है, ऑथर को रिव्यूअर के बारे में नहीं पता होता. एंड डबल ब्लाइंड में दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता. सो कई बार एग्जामिनर आपको जर्नल के नाम पूछ लेता है तो आपको कुछ जर्नल के नाम पता होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जनरल जर्नल की एग्जाम्पल है नेचर, स्पेसिफिक जर्नल की एग्जाम्पल है जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस. अगर प्रोफेशनल जर्नल की बात करूँ दैट इज हार्वर्ड बिजनेस न्यूज एंड हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाली हमारी होगी नेचर. ठीक है, ऑडियंस जिसकी इंटरनेशनल है उसकी एग्जाम्पल है द लैंसेट. और ऐसी कौन सी जर्नल है जो नॉन पीयर रिव्यूड है, दैट इज आर्काइव.
ऐसे ही जिसका कमर्शियल पब्लिशर है दैट इज एल्सेवियर्स की आती है जर्नल्स, एंड जिसका अकेडमिक है दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस। ये पब्लिशर्स की बात करी हूँ मैं, ठीक है। ऊपर मैंने जो दो तीन बताई हैं ये जर्नल्स हैं, एंड हमने अभी देख लिया कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर्स पढ़ लिए, टाइप ऑफ रिसर्च पेपर पढ़ लिए, वो है मेथोडोलॉजी, स्कोप, पर्पस, कंटेंट, ऑडियंस एंड डिजाइन के बेसिस पे। वैसे ही जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल है वो है स्कोप, ऑडियंस, इंपैक्ट फैक्टर, इंडेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी, पब्लिशर एंड पीयर रिव्यू के बेसिस पे। अब इसमें दो पॉइंट्स कॉमन है दोनों में, एक तो है स्कोप, स्कोप इसमें है ब्रॉड नैरो, और जर्नल की मैं बात करूँ इसमें जनरल, स्पेसिफिक और डिसिप्लिन और इंटरडिसिप्लिनरी है। सेकेंड है ऑडियंस, ऑडियंस इसमें है अकेडमिक, पॉलिसी, बिजनेस, इंडस्ट्री, एंड इसमें ऑडियंस है अकेडमिक, प्रोफेशनल तो है ये, इंटरनेशनल है या नेशनल है। सो ये दो पॉइंट्स कॉमन है टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर में एंड टाइप्स ऑफ जर्नल्स में, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है डेटाबेसेस। डेटाबेसेस बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है इंडेक्सिंग डेटाबेसेस एंड साइटेशन डेटाबेसेस। जो इंडेक्सिंग वाले डेटाबेसेस होते हैं वो कैटेगराइज करते हैं डेटा ऑफ बिब्लियोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, कैटलॉगिंग करते हैं डेटा की, और जो साइटेशन वाले हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं एंड कलेक्ट करते हैं साइटेशन डेटा, ठीक है। जो इंडेक्सिंग वाले हैं उनके पास सर्च एंड रिट्राइवल फंक्शनैलिटीज होती हैं, एंड जो साइटेशन वाले होते हैं वो साइटेशन ट्रैकिंग एनालिसिस वगैरह करते हैं। इंडेक्सिंग फ्री भी होती है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी होती है, बट जो साइटेशन वाले होते हैं वो यूजुअली सब्सक्रिप्शन बेस्ड ही होते हैं। वेब ऑफ साइंस और स्कोपस दोनों ही साइटेशन डेटाबेसिस भी हैं एंड इंडेक्सिंग डेटाबेसिस भी हैं। PubMed is an example of indexing database and Google Scholar is an example of citation database. तो आई होप आपको थोड़ा सा databases, indexing database and citation database क्लियर होगा। वेब ऑफ साइंसेज और स्कोपस में क्या डिफरेंस है, देखो वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस दोनों ही दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सोर्सेज के मतलब कि दोनों में यूनिक फीचर्स हैं, बट दोनों का काम एक तरह से सेम ही है। सो दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज, यूनिक फीचर्स हैं। इसमें बहुत सारी क्या कहते हैं कवरेज एरियाज होते हैं, बट जो वेब ऑफ साइंस है और स्कोपस है उसमें पब्लिशर का डिफरेंस है। जो वेब ऑफ साइंस है उसका पब्लिशर Clarivate है एंड स्कोपस का पब्लिशर एल्सेवियर है, एंड दे बोथ आर क्यूरेटेड फ्रॉम थाउजेंड्स, मतलब बहुत सारे इसमें जितने भी स्कॉलरली जर्नल्स हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स है, सब कुछ आता है। जो वेब ऑफ साइंस और स्कोपस है दोनों में साइटेशन मैट्रिसेस होते हैं एंड दोनों ही इंडेक्सिंग एंड साइटेशन डेटाबेसेस हैं, बट स्कोपस में SNIP रैंकिंग भी होती है एंड SGR भी हमें पता लगता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में से, दैट इज पब्लिकेशन रिव्यू प्रोसेस। What is the topic? Publication review process. And एक छोटा सा point रह गया यहाँ पे, मैंने miss कर दिया कि जो web of science और scopus दोनों ही हैं, दोनों ही citation index provide करते हैं, दोनों ही free नहीं है, subscription based है, दोनों में advanced और feature है, usage analytics हमें पता लगती है, and दोनों के दोनों multidisciplinary हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के टुवर्ड्स चलते हैं, दैट इज द पब्लिकेशन रिव्यू प्रोसेस। देखो अभी आपको रिव्यू करवाना है, पब्लिकेशन रिव्यू प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे। अगर आपको अपना कोई पेपर पब्लिश करवाना है या फिर अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करनी है तो उसको इंश्योर कराने के लिए आपको रिव्यू प्रोसेस करवाना पड़ता है। सो टू इंश्योर द पब्लिश पब्लिकेशन इन द जर्नल और प्रेजेंट अ पेपर एट अ कॉन्फ्रेंस, यू हैव टू अंडरगो थ्रू अ रिव्यू प्रोसेस। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके पेपर की क्वालिटी, इंटीग्रिटी और वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए, तभी आपका जो पेपर है वो हाई क्वालिटी होगा और एकेडमिक कम्युनिटी तक पहुंच पाएगा। सो पब्लिकेशन रिव्यू प्रोसेस में ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो आउट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप अपना जो पेपर है वो सबमिट करोगे, देन उसकी एडिटोरियल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद पीयर रिव्यू होगा, देन रिव्यूअर रिकमेंडेशंस आएंगी, देन ऑथर रिविजन होगी, देन फाइनल डिसीजन होगा, देन पब्लिकेशन होगी, देन पोस्ट पब्लिकेशन होगी। तो टोटल कितने स्टेप हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेप्स हैं पब्लिकेशन रिव्यू में। तो सबसे पहले सबमिशन, आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट किसी भी जर्नल में या कॉन्फ्रेंस में सबमिट करोगे तो उससे पहले आपका क्या होगा, आपको एडिटोरियल स्क्रीनिंग के लिए देना होगा। तो जो वहाँ का एडिटर इन चीफ हो या एडिटोरियल टीम है वो एडिटो इनिशियल चेक करेगी। अगर आपका जो पेपर है वो बेसिक चीज़ें मीट नहीं करता तो आपका डेस्क रिजेक्शन वहीं पर हो जाएगा। देन आपका पीयर रिव्यू प्रोसेस होगा, तो उसमें क्या होगा, जो एडिटर होगा वो एक एक्सपर्ट रिव्यूअर को सिलेक्ट करेगा जो आपके पेपर पे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और कमेंट्स देगा। तो जो रिव्यूअर की रिकमेंडेशंस हैं वो एक्सेप्टेंस की भी हो सकती हैं, रिवीजन की भी हो सकती हैं, रिजेक्शन की भी हो सकती हैं। एक्सेप्टेंस मतलब आपके पेपर में कोई भी रिवीजन की ज़रूरत नहीं है या बहुत ही माइनर रिवीजन्स की ज़रूरत है। रिवीजन मतलब बहुत ही आपको टाइम फ्रेम दिया जाएगा, ज़्यादा रिवीजन्स करनी पड़ेगी। एंड रिजेक्शन मतलब आपका पेपर बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है।
तो अगर रिविजन आती हैं, ऑथर को उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रिविजन करनी पड़ेंगी एंड रिपोर्ट करनी पड़ेंगी चेंजेस एज पर द रिव्यूअर एंड द एडिटर, देन फाइनल डिसीजन होगा। ऐसे ही नहीं हो जाता फाइनल डिसीजन, उसको मल्टीपल राउंड्स भी कई बार करने पड़ते हैं रिविजन के, देन फाइनली पब्लिकेशन होगी। पब्लिकेशन का मतलब है आपका जो पेपर है वो कॉपी एडिटेड होगा, टाइप सेट होगा एंड प्रिपेयर किया जाएगा, एंड देन फाइनली आपको एक डेट असाइन कर दी जाएगी एंड आपका जो टॉपिक है वो अपकमिंग इशूज में आ जाएगा, देन आपके पेपर का पोस्ट पब्लिकेशन होगा। देन उसके बाद जो रीडर्स हैं दे मे साइट योर पेपर, गिव रेफरेंसेज टू योर पेपर। सो हमारा जो पब्लिकेशन रिव्यू प्रोसेस है, इसमें पहले है सबमिशन प्रोसेस, एडिटोरियल स्क्रीनिंग, पीयर रिव्यू, रिव्यूअर रिकमेंडेशन, जिसमें तीन तीन चीजें हो सकती हैं, एक्सेप्टेंस, रिवीजन, रिजेक्शन, ऑथर रिवीजन, फाइनल डिसीजन, पब्लिकेशन एंड पोस्ट पब्लिकेशन। नेक्स्ट वन इज फंडिंग एजेंसीज। अब फंडिंग कौन कौन दे सकता है? गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन प्रॉफिट, इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अकेडमिक्स एंड इंस्टीट्यूट्स आपको फंडिंग दे सकते हैं। फंडिंग एजेंसीज के मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेंशन करी हैं। ICMR हो गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, NIH हो गया, टाटा ट्रस्ट हो गया, इन्फोसिस फाउंडेशन हो गया, फोर्ड फाउंडेशन हो गया, गूगल की होगी, WHO, बिल एंड मिलिंडा गेट्स की होगी, IITs, हार्वर्ड्स, ऑक्सफोर्ड्स, बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज हैं एंड बहुत सारी स्कीम्स आती रहती हैं जिसके तहत आपको फंडिंग मिल सकती है अपनी रिसर्च के लिए। अब हमारे पास छोटे से कंसेप्ट्स हैं, दैट इज साइटेशन एंड सेल्फ साइटेशन। इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, जो साइटेशन है आप किसी और की काम को साइट कर रहे हो, दैट इज साइटेशन। सो द एक्ट ऑफ रेफरेंसिंग और साइटिंग अ सोर्स विद इन अ स्कॉलरली डॉक्यूमेंट, मतलब ओरिजिनल वर्क को आप एक्नॉलेज कर रहे हो, दैट इज अ साइटेशन। साइटेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है सेल्फ साइटेशन। सो आप प्रॉपरली रीडर्स को एलोकेट कर रहे हो कि वो वहां से रीड कर सकते हैं और अगर रीड करना चाहें या उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो सेल्फ साइटेशन का मतलब है आपका खुद का ही प्रीवियसली पब्लिश्ड काम आप जब साइट करते हो इन अ न्यू रिसर्च, दैट इज अ सेल्फ साइटेशन। बट अगर आप बहुत ही एक्सेसिवली सेल्फ साइटेशन करते हो तो दैट इज द पार्ट ऑफ प्लेगरिज्म। ठीक है, तो साइटेशन के कुछ स्टाइल्स मैंने मेंशन करे हैं यहाँ पे। मैंने 6 स्टाइल्स ऑफ साइटेशन मेंशन किए हैं, APA, MLA, शिकागो, हार्वर्ड, IEEE, वैंकूवर। तो AAA क्या है, APA क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, MLA क्या है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, CMS क्या है, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। ठीक है, एंड IEEE क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो जो APA फॉर्मेट होता है उसमें इंडेक्स साइटेशन क्या होती है, ऑथर एंड देन ईयर। MLA में क्या होती है, मॉडर्न लैंग्वेज में ऑथर एंड पेज। उसके बाद शिकागो में फुटनोट और एंडनोट, हार्वर्ड में ऑथर लास्ट नेम एंड ईयर, IEEE और वैंकूवर में आप ऐसे ब्रैकेट्स में मान लिखते हो। सो मैंने APA का कंप्लीट रेफरेंस का एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल स्मिथ जे डॉट 2009 डॉट टाइटल ऑफ द आर्टिकल, जर्नल नेम कॉमा वॉल्यूम इशू ब्रैकेट में, देन पेज नंबर, DOID या URL। सो आप ऐसे APA में रेफरेंस लिस्ट देते हो। ठीक है, सो आपको साइटेशन क्लियर हो गया, सेल्फ साइटेशन क्लियर हो गया, साइटेशन के स्टाइल्स जिसमें हमने पढ़ा APA, MLA, CMS, हार्वर्ड, IEEE, वैंकूवर, सारे क्लियर हो गए होंगे आपको। ठीक है, अब ये जर्नल साइटेशन के इंडाइसिस एंड मैट्रिसेस हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी मैट्रिसेस हैं वो सारे हम कवर करेंगे। तो जो ये मैट्रिसेस होते हैं ये हमें इंपैक्ट इवैल्यूएट करते हैं, इंपैक्ट बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, इन्फ्लुएंस बताते हैं किसी भी जर्नल का या फिर इंडिविजुअल आर्टिकल्स का विद इन अ स्कॉलरली कम्युनिटी। सो हमारे पास जितने भी हैं मैट्रिसेस वो मैंने मेंशन करे हैं, टोटल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 12 मैट्रिसेस को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप नाम याद कर लो, ऑल मैट्रिक्स, एच इंडेक्स, H5 इंडेक्स, H5 मीडियन, G इंडेक्स, I10, GIF, दैट इज जर्नल इंपैक्ट फैक्टर, जर्नल इंपैक्ट फैक्टर परसेंटाइल, देन है साइट स्कोर, ईगन फैक्टर, SGR, दैट इज शिमागो जर्नल रैंक, एंड SNP, SNP क्या है, सोर्स नॉर्मलाइज्ड इंपैक्ट पर पेपर, एंड IPP क्या है, इंपैक्ट पर पब्लिकेशन। सो ये हमारे पास 12 मैट्रिसेस है। आपको एक साइटेशन भी आ सकती है या जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है सारी साइटेशन के साथ कि जर्नल साइटेशन इंडाइसेस के बारे में लिखो या मैट्रिसेस के बारे में लिखो। तो इजी से डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं। तो ऑल मैट्रिक्स क्या है, ये नॉन ट्रेडिशनल वे है, ये बताता है कि आपके सोशल मीडिया पे, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपकी रिसर्च आउटपुट के क्या व्यूज हैं, डाउनलोड्स हैं, शेयर्स हैं, क्या अटेंशन कैप्चर हो रही है, क्या मेंशंस है, क्या एंगेजमेंट है। तो आपने कोई ब्लॉग पोस्ट डाल दी है या कोई भी ट्विटर पे डाला है, न्यूज साइट्स पे डाला है, तो उसका क्या इंपैक्ट है, क्या एंगेजमेंट है, वो है ऑल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है एच इंडेक्स, H5 इंडेक्स एंड H5 मीडियन। तो जो एच इंडेक्स है सिंपली वो बताता है नंबर ऑफ एच पेपर्स दैट हैव बीन साइटेड एट लीस्ट एच टाइम्स। तो फॉर एग्जांपल किसी का एच इंडेक्स 20 है तो एटलीस्ट 20 पेपर्स हैं उस बंदे के, दैट इज साइटेड एट लीस्ट 20 टाइम्स।
ठीक है। अब जो H5 इंडेक्स है इसमें साथ में 5 वर्ड ऐड हो गया, मतलब इसमें हम सिर्फ पिछले 5 सालों की बात करेंगे। सो फॉर एग्जांपल किसी का H5 इंडेक्स 30 है, मतलब एटलीस्ट उसके 30 पेपर्स हैं दैट हैव बीन साइटेड एटलीस्ट 30 टाइम्स इन द लास्ट 5 इयर्स, और जो 5 इयर्स लेने हैं वो आपको लास्ट 5 कंप्लीट इयर्स लेने हैं। देन इज H5 मीडियन में भी हम यूजुअली टाइम पीरियड 5 इयर्स ही लेते हैं और इसमें हम मीडियन लेते हैं, मीडियन मतलब मिडल वैल्यू। सो अगर आपने बोला किसी का H5 मीडियन सपोज 10 है तो आप बोलोगे हाफ ऑफ इट्स आर्टिकल्स इन द लास्ट 5 इयर्स हैव बीन साइटेड एटलीस्ट 5 टाइम्स, तो आप उसमें एक वर्ड ऐड कर देते हो हाफ ऑफ इट्स आर्टिकल्स, मीडियन मतलब हाफ होता है, ठीक है। देन हमारे पास है जी इंडेक्स। जी इंडेक्स एक तरह से ऑल्टरनेटिव है एच इंडेक्स का। सो ये बताता है हाईएस्ट नंबर ऑफ जी पेपर्स विद जी और मोर साइटेशंस, तो इसमें वर्ड्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, सो दैट इज एन ऑल्टरनेटिव टू द एच इंडेक्स। तो इसमें आपको पता लगता है हाईएस्ट नंबर ऑफ जी पेपर्स विद जी और मोर साइटेशंस। अब I10 इंडेक्स क्या है? I10 का मतलब है कम से कम ऐसे कितने पेपर्स हैं जो कम से कम 10 बार साइट हुए हों। सो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस दैट हैव बीन साइटेड एटलीस्ट 10 टाइम्स, वो आपका I10 इंडेक्स होगा। देन हमारी 2% आइल्स हैं दैट इज GIF। GIF क्या है? जर्नल इंपैक्ट फैक्टर, ठीक है। GIF इज जर्नल इंपैक्ट फैक्टर। सो जर्नल इंपैक्ट फैक्टर आपका बताता है इसको हम कैसे निकालते हैं, साइटेशन इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय द पब्लिश्ड इन द प्रीवियस 2 इयर्स। तो ये जर्नल का इंपैक्ट बताता है किसी भी जर्नल को कंपेयर करने के लिए। सो ये बताता है कि एवरेज पेपर्स जितने भी पब्लिश हो रहे हैं वो कितनी बार साइट किए जा रहे हैं, ठीक है। और जो GIF परसेंटाइल है ये GIF से ही कैलकुलेट होता है, बट इसको हम रैंकिंग वे में परसेंटेज में निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी की परसेंटाइल 80th percentile है तो वो बताएगा कि 80% ऑफ द सेम कैटेगरी में वो चीज फॉल कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है साइट स्कोर। तो ये हमें बताते हैं साइटेशन इंपैक्ट ऑफ अ जर्नल। तो इसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, रेशियो साइटेशन इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय पब्लिश्ड इन द लास्ट 3 इयर्स। तो इसमें ये ध्यान रखना कि जब हम GIF निकालते हैं तो हम प्रीवियस 2 इयर्स लेते हैं, बट जब हम साइट्स को निकालते हैं करंट ईयर्स के साथ हम लास्ट 3 इयर्स लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी की साइटेशन 4.5 है, साइट स्कोर 4.5 है, तो अगर उसकी करंट ईयर में साइटेशन 450 है तो लास्ट 3 इयर्स में 100 रही है, तो आप बेसिकली ऐसे मान सकते हो। ईगन फैक्टर क्या होता है? ईगन फैक्टर मतलब वो आपका बताता है आर्टिकल्स जो पहले 5 सालों में कितनी बार साइट हुए हैं। सो आर्टिकल साइटेड इन द फर्स्ट 5 इयर्स आपका ईगन फैक्टर बताता है। तो फॉर एग्जांपल किसी जर्नल का 0.1 है ईगन फैक्टर, तो वो 10% ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जर्नल्स में आएगी, ठीक है। देन हमारे पास है SJR दैट इज शिमागो जर्नल रैंक। सो आपको कैटेगराइजेशन करेगा अगेंस्ट द प्रेस्टिजियस जर्नल्स ताकि आपको पता लग सके कि कहाँ पे आपको अपना पेपर पब्लिश करवाना है। स्निप इज सोर्स नॉर्मलाइज्ड इंपैक्ट पर पेपर, सो ये भी आपको इसी तरह हेल्प करता है। IPP क्या है? इंपैक्ट पर पब्लिकेशन, दैट टेल्स यू एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस पर पेपर पब्लिश्ड, ठीक है। तो आपको ये बताता है कि स्पेसिफिक जर्नल में भी या स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपका पर पब्लिकेशन क्या इंपैक्ट रह रहा है। सो हमने कुछ साइटेशन मैट्रिसेस देखे हैं जिसमें हमने पढ़ा एच इंडेक्स, H5 इंडेक्स, H5 मीडियन, जी इंडेक्स, I10 इंडेक्स, GIF, JIF परसेंटाइल, साइट स्कोर, ईगन फैक्टर, SJR, स्निप एंड IEEE। सो आई होप आपको ये जर्नल मैट्रिसेस थोड़े से क्लियर हुए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है यू कैन पिन डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है।